नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शीर्ष प्रतक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का खत्म होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र के भीतर बैसाखियों वाली सरकार बनाने पर मजबूर हो गई और उस सरकार की उल्टी गिनती, उस सरकार की मियाद को लेकर के जब आमतौर पर देश में चर्चाएं होती है, तो सबसे पहले क्या भारतीय समर्थक, क्या भाजपा विरोधी सब लोग एक ही बात पर एक मत होते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो सरकार चल जाएगी और उस चुनाव के बाद इस सरकार को क्या होगा, इस बात को लेकर के कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता। आप सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इन तीन राज्यों के चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में इस साल के अंत तक होने की उम्मीदें हैं। ज्यादा संभावना है कि नवंबर के महीने में होगी, लेकिन तीन राज्यों में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट इस भारत देश में आर्थिक तौर पर सबसे संपन्न माने जाने वाले राज्य महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के। आखिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट इसीलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कहीं वहां हारी है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में महाराष्ट्र के भीतर सिमट चुकी है और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की यदि बात कर लें तो फिर जिस प्रकार से पार्टियां वहां पर तोड़ी गई, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की पार्टी, पहले शिवसेना तोड़ी गई, बाला साहब की विरासत को खंड खंड कर दिया गया, जिस तरह से मराठा सत्रक शरद पवार की पार्टी को, एनसीपी को खंड खंड किया गया, पार्टी और परिवार दोनों तोड़ा गया और इन दोनों का सिंबल बागी गुट को दिया गया, जो वही बागी गुट जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जाकर के सत्ता में बैठ गया, यूं कहे कि उनके वॉशिंग मशीन में जाकर के धुलने का काम किया। उसके बाद महाराष्ट्र में 50 खोखे एकदम ओके का नैरेटिव आपने सुना होगा। उसके बाद तमाम तरह के गुवाहाटी मॉडल के बाद से तमाम तरह के राजनीतिक धोखे की कहानियों को आपने देखा होगा, लेकिन आप तो बात अहमद तब काली तबाह, आप जो बात उद्धव ठाकरे ने कहा था, आखिर उसके कितने बड़े राजनीतिक निहितार्थ है, उसको समझने के लिए ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। आखिर अमित शाह, अहमद साहब गाली का मतलब कहते हैं ना, उद्धव ठाकरे ने जो उनपे जो ताना कसा है और हमेशा तालियों का जो इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये बात इस दौर में किसी से बची हुई नहीं कि पानीपत के तीसरी लड़ाई 1761 सबको याद होगा, जो भी जीके जीएस पढ़ा होगा उन्होंने उनको याद है कि 1761 में मराठा बनाम अहमद साहब अब्दाली की लड़ाई हुई थी। पेशवाओं की भूमिका की उस दौरान की बात होती है और पेशवाओं की महाराष्ट्र के भीतर आमतौर पर ब्राह्मणों के साथ निरूपित किया जाता है। मराठा वर्सेस पेशवा की सियासत, पेशवाई नए तरीके से नए अंदाज में करने की कोशिश है और उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब ब्राह्मण समाज से आते हैं और अमित शाह को एक नए तरीके से निरूपित करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। यानी ये कहे कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों का मिजाज बना हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उस मिजाज के भीतर अब चुनाव कहीं ना कहीं करीब आ गया, जहां पर 2.5-3 महीने के बाद महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा की वोटिंग होनी है, तो बिल्कुल ऐन मौके पर अपनी तरफ से तड़का लगाने की कवायद कमोबेश अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पीछे नहीं, शिंदे गुट के लोग भी पीछे नहीं, अजित पवार के लोग भी पीछे नहीं है महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन उद्धव ठाकरे की बयान हो, अमित शाह की तथाकथित चाणक्य नीति हो, देवेंद्र फडणवीस की साइड करने की सवाल हो, देवेंद्र फडणवीस की संभावित राष्ट्रीय भूमिका की सवाल हो, इस सबको अलग करते हुए जमीनी हकीकत महाराष्ट्र की राजनीति क्या है, सियासत किस दिशा में घूम रही है, ये जानना इस दौर में बहुत दिलचस्प होता है। ये जानना इसलिए भी दिलचस्प होता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आपको पता होगा, जैसे दिल्ली के भीतर एनडीए बनाम इंडिया अलायंस बनी हुई है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के भीतर एनडीए का क्षेत्रीय स्वरूप, वहां महायुक्ति जो सत्ता के भीतर है, और इंडिया का क्षेत्रीय स्वरूप महाविकास आघाड़ी जो अभी विपक्ष में बैठा है, इन दोनों के बीच सिकुड़ता हुआ नजर आ रही और इन दोनों के भीतर अपने अपने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के भीतर 2024 में किया। थोड़ी बहुत साख बची तो एक नाथ शिंदे गुट की बची, ये अलग बात है कि सिंबल के झोल के कारण वो साख बची। एक कैंडिडेट तो वहां पर 48 वोटों से मात्र चुनाव जीता, वो जीता या फिर कैसे जीता, ये फिर हमारे देश के लोग बेहतर समझ पाएंगे जो खास करके उस इलाके के, मुंबई के उस इलाके के लोग होंगे। लेकिन ऐसे में जो अभी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के भीतर अगर गौर फरमाए तो दो तीन बातें इससे स्पष्ट होती है। पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र के भीतर सीधा सीधा महाविकास आघाड़ी की तेज दिखाई दे रही है, बढ़त दिखाई दे रही है आघाड़ी गुट की। लोकसभा चुनाव के भीतर जैसे शिंदे गुट की तरफ से विधानसभा चुनाव के भीतर कमोबेश जो है, क्या वही दिखेगा, क्या महायुति में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच सब कुछ ठीक ठाक है,
अजीत पवार तो सार्वजनिक तौर पर अपनी हताशा और निराशा का प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ये कहते हुए कर चुके हैं उनके घर में उनके बच्चे भी अब ये पूछते हैं कि उनके नाम के आगे लगा हुआ पूर्व कब तक लगा रहेगा। वो कई सालों से कई मुख्यमंत्री बने, उसमें जाकर के उप मुख्यमंत्री जाके बन जाते हैं, उप हटेगा तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब तो पार्टी और विधायक की बचने की नौबत बचेगी या नहीं बचेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में उनके गुट को केवल एक सीट मिला, अजीत पवार के गुट के केवल एक सांसद बने, वही उनके चाचा शरद पवार जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, जिनका सिंबल अजीत पवार गुट को मिल गया, उस पार्टी ने 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ा लेकिन 8 सीटें जीती, 80% स्टैक रेट के साथ उन्होंने जीत हासिल की। तो महाराष्ट्र के राजनीति में जो चल रहा है उसमें सबसे पहली बात करते हैं महायुति के अंदर क्या चल रहा है। महायुति के अंदर सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई थी अजीत पवार की। अजीत पवार का पार्टी का प्रदर्शन हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 के आधार पर आपको बता चुका हूं। बस एक खाता खुल गया उनका, एक सांसद उनका बन गया। अब उनके विधायकों का दबाव अजीत पवार पर है कि अभी वो जाए तो फिर कहां जाए, जनता के बीच सवाल पूछा जा रहा है कि ये तो धोखा देने वाले लोग हैं। शरद पवार अपने पार्टी में लेने के लिए तैयार ही नहीं है। शरद पवार और सुप्रिया सुले की उनकी रणनीति नए लोगों की टिकट देकर के, लॉयल लोगों को, भरोसेमंद लोगों को टिकट देकर के महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के साथ या रोहित पवार के साथ या सुलेखा सुले के साथ उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तो वहां पर एंट्री की गुंजाइश अजीत पवार की पार्टी के नेता को नहीं बन रही, यहां से जीतने की संभावना नहीं बन रही है। टिकट के लिए अलग से मारामारी है कि टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे में सब के सब अजीत पवार के ऊपर अंदर खाने गर्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अजीत पवार के साथ तो वह आ गए थे, ईडी का डर था या फिर कुछ और लालच था, जिस वजह से भी हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, ज्यादातर तो ईडी से पीड़ित लोग ही उसमें शामिल थे, तो उनके साथ आ गए थे। लेकिन साथ आने के बाद, सत्ता सुख भोगने के बाद, विधायकी बचाने का सवाल जब उठने लगा, जब आगे की सत्ता सुख का सवाल उठने लगा, तो ऐसे में अजीत पवार भी अपने गुट के विधायकों को के सामने तो कहीं विलन तो नहीं बन रहे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और अब उससे आगे बढ़ करके अगर हम आपसे बात करें कि शिंदे गुट की बात अगर करें, तो शिंदे गुट की बात कमजोर मान रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो ताकत है शिवसेना यूपीटी की, उस ताकत के सामने एकनाथ शिंदे की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। लोकसभा 2024 के चुनाव में सिंबल की वजह से ही, पार्टी के चुनाव चिन्ह की वजह से ही बहुत लोगों तो उद्धव ठाकरे को उस चुनाव चिन्ह को पहुंचा नहीं पाए थे, जिस वजह से इनको 7 सीटें मिल गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके पास एकनाथ शिंदे गुट के पास जनाधार बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। जब जनाधार बहुत बड़ा नहीं है एकनाथ शिंदे के पास महाराष्ट्र के राजनीति में, तो एक अलग तरह का खेल वहां चलता है। आखिर वो पूरा खेल क्या होता है कि जनाधार हो या फिर ना हो, नंबर तो है, 7 लोग तो जीत क्या है, 7 तो उनके एमपी बन क्या है, उस दिन के पार्टी में वही चिंता है जो अजीत पवार के आरएनसीपी गुट के जो विधायकों के अंदर है, वही चिंता एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के अंदर है। लेकिन एक साथ एकनाथ शिंदे के विधायकों की जो मीटिंग होती है, जो बैठकें होती है, उस बैठकों से जो अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से जो खबरें निकल करके आती है, उस खबर के ऊपर यदि भरोसा करे तो फिर अजीत पवार गुट के तरह ही वो हताशा की स्थिति में है। एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों को साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि उनकी ट्विनिंग देवेंद्र फडणवीस से नहीं है, उनकी ट्विनिंग नागपुर या फिर मुंबई से नहीं है, उनकी ट्विनिंग पुणे से नहीं, उनकी ट्विनिंग गुजरात लॉबी से है, उनकी ट्विनिंग सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है। वो साफ साफ बात क्लियर कट में कहते हैं अपने समर्थकों को कि कौन देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, विनोद तावरे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के बाकी लोग क्या कहते हैं, अजीत पवार क्या बयान देते हैं, संघ क्या बयान देते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। दिल्ली को एकनाथ शिंदे के साथ 7 सांसदों की जरूरत है, तो 7 सांसदों की अगर जरूरत है तो दिल्ली को जितना झुकाने की जरूरत है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जितना झुकाने की जरूरत है, उसमें एकनाथ शिंदे झुकाने के लिए कामयाब है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में, आखिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमोबेश यही है कि जो कोई भी खेल गुवाहाटी मॉडल के माध्यम से 2022 के अंदर हुआ, जनता उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानती है। पहले विधायक सूरत पहुंचे शिवसेना गुट के, उद्धव ठाकरे के विधायक सूरत पहुंचे, फिर सूरत से गुवाहाटी पहुंचाया गया उनको, सूरत यानी गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार और गुवाहाटी में भी हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार। हेमंता बिस्व शर्मा ने ही बाकी विधायकों से जाकर के मुलाकात किया, सब कुछ कैमरे के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि पर्दा हटा करके सारे आम इस खेल का हिस्सा कौन बना था। तो जब पूरे खेल का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी बनी
तो फिर जो नुकसान लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, कुछ टिकट बंटवारा और भी कुछ अच्छे से अगर हो गया होता तो जो 9 सीटें आई हैं वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाती। ऐसे में नितिन गडकरी को अपने क्षेत्र में समय देना पड़ा। तो हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि क्या वो 50 के आंकड़े पर विधानसभा के भीतर पहुंच पाएंगे। चाहे इलाका विदर्भ का हो, चाहे इलाका मराठवाड़ा का हो, चाहे इलाका वो महाराष्ट्र के कोंकण का हो, चाहे मुंबई पुणे बारामती का हो, चाहे इलाका खानदेश, मतलब हर क्षेत्रों के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी कमोबेश अभी तो अपनी लोकप्रियता के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, सबसे निचली पायदान के ऊपर है। देवेंद्र फडणवीस मराठी मानुष के बीच अब वो अपील नहीं कर पाते जो कभी रखने की मादा रखते थे, कभी वो रखा करते थे। मराठा आरक्षण और मनोज पाटिल का जो एक मुद्दा अलग से है कि शरद पवार से मिलने गए थे एकनाथ शिंदे से, फिर उस मुलाकात का एक एजेंडा खुल करके बाहर तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहा यह जाता है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को पुश करने गए थे। स्वाभाविक सी बात है कि मराठा समाज के ज्यादातर लोग एनसीपी और कांग्रेस के शिवसेना गुट के ही वोटर हैं, और शरद पवार मराठा कम्युनिटी के जो महाराष्ट्र के भीतर 32% मानी जाती है उसके सबसे बड़े ताकतवर नेता माने जाते हैं, मराठा अस्मिता के जो भी नेता है उसमें। तो उस हालात में एक नाथ शिंदे से जाकर के मिलते हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं, मराठा आरक्षण एक सेंटिमेंटल मुद्दा महाराष्ट्र के भीतर बन चुका है, मनोज जाडल की पार्टी एक पोस्टल बॉय बन चुका। लेकिन इस दौर में सवाल उठता है कि इस गठबंधन के भीतर जो गांठें बन रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी, शिंदे ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं, अजित पवार अपने लिए सम्मानजनक सीटें पाते लेना चाहते हैं। अगर सबकी डिमांड को देखे तो महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर 288 सीटें हैं, और तीनों को जितने डिमांड है उन डिमांड को अगर जोड़ दिया जाए तो 370 के आंकड़े को पार कर जाता है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है तीनों को अपने अपने डिमांड को कम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो कम ओबीस ये देख रही है कि उसके विधायकों की संख्या कितनी होगी महाराष्ट्र के भीतर, और भारतीय जनता पार्टी जब ये देखती है कि वो इस गठबंधन के भीतर बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र के भीतर रहे, महायुति यानी एनडीए के भीतर बड़े भाई की भूमिका में रहे, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र की जनता उनके बड़े भाई की भूमिका में रखने के लिए तैयार होगी। दरअसल दो खेल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है, एक तो ये कि जो महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र के भीतर यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महाराष्ट्र में है वो चाहते हैं कि उसमें ये कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र भाजपा यूनिट जो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र की भाजपा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़े, ताकि विपक्ष के भीतर भी अगर बैठे तो सबसे ज़्यादा विधायक महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हो। वहीं दूसरी पहलू ये है कि एकनाथ शिंदे का गुट का कहना है कि सरकार का नेतृत्व वो कर रहे हैं, चेहरा उनका है, उनके चेहरे वही मराठा समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सबसे ताकतवर समुदाय माना जाता है महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर, तो ऐसे में ज्यादा सीटें उनको मिलनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस बात को भी जान रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी एक तो सत्ता के भीतर आ नहीं रही है, सत्ता में आने की संभावना उनकी दिख नहीं रही है, तो फिर अंतिम समय में जो चमत्कार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बखूबी इस बात को पता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की सूरत में नहीं है। तो फिर ऐसे में गलती में खामखा वो अगर सत्ता में आ भी जाती है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर जीत कर, तो गुजरात में ये लॉबी ना देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर नहीं बन देगी, ये भी कहा जा रहा है गुजरात लॉबी को उनका नाम पसंद नहीं है। ऐसे में अंदर खाने एक और खबर चलती है कि कुछ पार्टी का झगड़ा है चुनाव आयोग कोर्ट तमाम सारी चीज के, एनसीपी और शिवसेना का जो सिंबल का मामला है, खेल दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये चल रहा है, कहा तो ये भी जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की सहमति हो सकती है। खेल दरअसल ये हो रहा है वहां पर कि एक तीर से दो दो निशाने साधे जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को किनारे लगा दिया जाए महाराष्ट्र की राजनीति में, और इसके साथ साथ यदि चुनावी हार भी अगर मिल जाती है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो उस हार की ठिकरा भी किसी और के ऊपर फोड़ दिया जाए, यानी गुजरात लॉबी अपने सर पे हार का ठिकरा भी ना ले, देवेंद्र फडणवीस किनारे भी लग जाए और चुनाव भी निपट जाए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। इस पूरे थ्योरी को महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े पत्रकार कहीं ना कहीं ताकत देते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ ये तो है कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के भीतर चुनाव के पहले शामिल करने की कवायद है, ये पार्टी के विवाद वाला अगर मामला सामने नहीं आता तो उसको शामिल करा लिया जाए शिवसेना के शिंदे गुट को भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और शिवसेना के शिंदे गुट जब बीजेपी के अंदर मर्ज हो जाए तो एकनाथ शिंदे को
मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। अब इसके बाद में एक तीर से दो दो निशाने हो गए देवेंद्र फडणवीस के किनारे, यानी गुजरात लबी की जो कथित इच्छा है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वो भी पूरी हो गई, और दूसरी मराठा चेहरा भी मुख्यमंत्री पद के लिए मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के ऑलरेडी मराठा समाज से जो आता है, और उप मुख्यमंत्री पद पर यासीन पहले से ही महाराष्ट्र के भीतर। ये कवायद एक महाराष्ट्र की राजनीति में अलग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। और एक और कवायद चलती है कि जो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में कमजोर करने के लिए, क्योंकि शिवसेना का सिंबल अब शिंदे गुट के पास है, तो ऐसे में शिंदे गुट के अध्यक्ष पद के ऊपर राज ठाकरे को इस पार्टी में ला करके ताजपोशी करा दी जाए पार्टी के अध्यक्ष पद के ऊपर, और ठाकरे बनाम ठाकरे की सूरत तैयार कर दी जाए। तो ये पूरी तमाम सारी थ्योरियां महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर चल रही है कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सा खेल चल रहा है, कि महाराष्ट्र के जनमानस की जो स्थिति है, खास करके मराठा आरक्षण और गुवाहाटी मॉडल की सरकार बनने के बाद, इन दोनों मुद्दों के में केंद्र में आने के बाद जो स्थिति पैदा होती है वो उस परिस्थिति के भीतर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जितने ज्यादा प्रयोग के तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा राजनीतिक तौर पर वो उसकी सीटों की संख्या, उसकी वोटों का प्रतिशत कहीं ना कहीं कम होता जाएगा, क्योंकि जनता काफी एक्सपेरिमेंट देख चुकी है। और ऐसे में दूसरी तरफ ठीक अगर उलट बात करें तो ठीक उलट स्थिति ये होती है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे, मतलब ये कह कि एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों के टूटे हुए गुट के नेता, साथ में कांग्रेस का समर्थन, ये दोनों नेता दरअसल सहानुभूति लहर पर सवार है महाराष्ट्र की राजनीति में। इन दोनों के पक्ष में बहुत बड़े सहानुभूति लहर चल रही है महाराष्ट्र के भीतर। उस सहानुभूति लहर का मुकाबला करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे को ही सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, भले ही देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया जाए, भले ही महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावरे को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, भले ही एकनाथ शिंदे खंडसे को ही सामने लाने की कवायद की जाए, कोई भी कवायद महाराष्ट्र की राजनीति में जब मुद्दा क्षेत्रीय अस्मिता पर आ जाए, मुद्दा महाराष्ट्र बनाम सियासत गुजरात के दोनों बीच टकराव होता है, तो ऐसे में बात होता है कि महाराष्ट्र के बजट को गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले गुजरात के कई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिले जो पहले महाराष्ट्र को मिले, तो सारे मुद्दे जब जगते हैं तो तमाशा तो एक आदमी ही देख रहा है, नितिन गडकरी साहब। जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ है वो भी अच्छा ही है। ये सारी खेल के बीच नितिन गडकरी एकदम महाभारत के संजय की तरह पूरे खेल को कहीं ना शांतिपूर्ण देखते हुए महाराष्ट्र के भीतर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली की कवायद आसानी से समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव जैसे ही नवंबर के महीने में संपन्न होंगे, खेल तो दिल्ली का शुरुआत हो जाएगा। बाकी देखते रहिए इस वीडियो को, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।